हेलो। हाँ जी, कहाँ है भैया? ठीक ठाक। कहाँ हो रहा? हो गई से अभी से कहीं भटक रहे हैं। हाँ आओ। अच्छा कहे नहीं। हाँ हो गई से प्रोग्राम साहब के लगे। अच्छा ठीक हो गया। हमारा तो नहीं भावे, नाम नहीं जुड़ा। अपन नहीं जुड़ा। हाँ 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 बार हुई है कैसो बड़ी मशक्कत के बाद। जे ई साहब से मिलबो बहन से, पर जे ई साहब के बस के नहीं आ, हमका समझ में आ रहा। जे ई ओ इस बार आही प्रोग्रामर साहब ये समय भगवान। हाँ हाँ प्रोग्रामर साहब हमसे एक आध दिन हम परेशान रहे। हाँ 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 भटकत भटकत कैसो मैसो बात रहे, तो फिर रात्रि के ईंट ऑफिस के पीछे उनका मकान है कमरा लेंगे। हाँ उन्हें गैर हैं कैसो मैसो हाथ हो जोड़ के कैसो मैसो 15,000 रुपया ₹15,000 कैसो मैसो क्योंकि पूछबो भाएंगे कुछ कम कर देगी। हाँ हाँ की 10,000 तो डी साहब का देने का परत है, देन देने का परत है। 5,000 तो कुछ नहीं को चाहिए। हाँ 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 अब आदमी पेट चलावे खाती तो कुछ करेंगे परी करेंगे परी। हाँ ठीक है। हाँ तो वो फिर कैसो मैसो 15,000 रुपया हम जोड़ जाड़ के प्रोग्रामर साहब का दी है। कुछ हमारा जुगाड़ लगवाई ना भैया। जुगाड़ अब ऐसा है कुछ नहीं करेगा, ये एक चक्कर में ना भागा न कहा परेशान हो। डी साहब के प्रोग्रामर साहब एकदम खास आए। एकदम खास आए डी डी प्रोग्रामर। हाँ हाँ प्रोग्रामर साहब के लगे जा, ऑफिस के पीछे कमरा है। हाँ तो उनसे जा मिला, 15,000 में हमारा काम किए हैं। 15,000 मकान कहते हैं चूंकि कहा उनका देव को पड़ा था ना, तो पैसा तो ना डूबी यही। अरे हाँ कैसा डूबी, पहुँच बहुत थी। अब बताई 15,000 तो है नहीं, कहाँ कर्जा पाड़ी ले, कहाँ ऐसा ना हो 15 डूब जाए। ये तो कराइन का परी है, पेट चलावे के लड़की मेरी है, बच्चा चलावे कराइन का परी कुछ ना कुछ कराइन का बड़ा बेकरी कहा बताई बड़ी मरण कौन पर एक चीज है। हाँ प्रोग्रामर साहब से जुड़े में फायदा ही चूंकि उनका जबलपुर तक पहुँच। अच्छा हाँ उसकी पहुंची डी साहब एकदम खास आई तो मनो कोनो दिक्कत नहीं आ। बाकी यही एक चक्कर बागत था। बाकी कोनो बनिया बा बतान घर प्रोग्रामर साहब के ऑफिस के पीछे कमरा लाए। तो कई बजे चली गई? 9-10 के बीच में चले जा तो हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं मौजूद हूँ रीवा के विद्युत मंडल ऑफिस। हमारे साथ यहाँ पर एसके सिंह साहब मौजूद हैं जो रीवा शहर में अभी हाल ही में पदस्थ किए गए हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए। आपके आते ही तमाम तरीके की यहाँ अव्यवस्थाएं खुलकर दिखने लगी हैं, जैसा कि अभी हाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ है। हम आज उस वीडियो वायरल की सच्चाई जानने के लिए उनके ऑफिस में मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे ये 15,000 का वीडियो का आखिर मामला है क्या। क्या है सर मामला? एक्चुअली ये वीडियो नहीं है, एक्चुअली ये ऑडियो रिलीज हुआ है जी। और इस ऑडियो में कोई दो लोग ये बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें मीटर रीडर के पद पे रिक्रूट करने के लिए 15,000 रुपये प्रोग्रामर को देना पड़ता है और प्रोग्रामर उसमें से शायद 10,000 रुपये डी साहब को देता है। ऐसा कुछ दो लोगों ने वार्तालाप करके इस पद की और हमारी भी जो है गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और इसका हम लोगों ने अमहिया थाने में शिकायत भी की है और साइबर सेल में डीएसपी साहब को भी बोला है कि जो भी ऐसा कार्य कर रहा है, जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो सीधा सीधा सामने आए और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके अगेंस्ट हम करेंगे। जैसा कि आपने मार्च में ज्वाइन किया, मार्च में ज्वाइन करने के बाद कोरोना पूरे देश में फैल गया, रीवा में भी उसका काफ़ी असर था, आपको काम करने का मौका नहीं मिला। अब जब कोरोना खत्म हो गया है तो क्या योजनाएं लेकर आप रीवा में आए? रीवा में मैं 18 मार्च 2021 को ज्वाइन किया हूं और उसके बाद से उस समय एनुअल का लास्ट मंथ था और कलेक्शन का बहुत प्रेशर था तो हम लोग कलेक्शन किए। कलेक्शन करने के बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड के केसेस बढ़े और लॉकडाउन हो गया। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में हम लोगों ने काम नहीं किया, लॉकडाउन में पूरे लॉकडाउन में ऑफिस आता रहा हूँ और अप्रैल और मई में
हम लोगों ने लग के पूरे 11 केवी लाइन और 33 केवी लाइन का मेंटेनेंस 100% कराया है और कंपनी में सबसे अच्छा मेंटेनेंस और सबसे पहले हमारे डिवीज़न रीवा का हुआ है। और इसके अलावा कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हमने संजय गांधी मेडिकल कॉलेज का ऑडिट भी किया है, जिसमें साहब बहुत प्लीज भी हुए थे। उस ऑडिट में जो भी उनकी शॉर्टकमिंग्स थी उसको फाइंड आउट भी किए, फाइंड आउट करने के बाद उन चीज़ों पर रेक्टिफिकेशन भी हुआ और वहाँ की व्यवस्थाएँ भी अभी अच्छी और दुरुस्त चल रही हैं। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से जो भी जिला स्तर पर ये मिला था कि हम लोगों को कुछ वार्ड असाइन किए गए थे, उसमें कोविड पेशेंट को मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन और अदर जो भी प्रशासनिक कार्य दिए जाते थे, तो हमने बहुत तन्मयता से और गंभीरता से किया है। अभी लॉकडाउन खुल गया है, सबसे बड़ा चैलेंज रीवा में MPV में ये है कि यहाँ पे करीब 40 करोड़ रुपए का एरियर बकाया है और वो जिम्मेदारी MD साहब की तरफ से सिटी डिवीज़न को सौंपी गई है कि आप कैसे भी करके ये 40 करोड़ जो यहाँ पे एरियर पड़े हैं उसको हमें लेके आना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे लाइन लॉसेस भी थोड़े से ज़्यादा हैं, उसको भी मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है जो नॉन पेइंग कंज्यूमर है उन पे 1 तारीख से हम लोग लगातार डिस्कनेक्शन करेंगे। अगर किसी के यहाँ बकाया पैसा ज़्यादा है तो हम ये कोशिश करेंगे उसके एक प्रीमाइसिस नहीं 2-3 प्रीमाइसिस भी काटें। अगर उसके दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं या कमर्शियल हैं तो उसको भी हम कट करेंगे जब तक कि उसका 100% पैसा रिकवर ना हो जाए। इसके अलावा लाइन लॉसेस के लेके भी बहुत सारे दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि जैसे वो फीडर जो 100 MPS से ऊपर हैं उनके लोड हम दूसरे फीडर पे शेयर करें ताकि हीटिंग की वजह से ट्रिपिंग से बच सकें हम। और दूसरा ये है ऐसे DTR जो बहुत ज़्यादा लॉसी हैं या ओवरलोडेड हैं, फ्रिक्वेंटली फेल्योर हो रहे हैं, उनका भी एनालिसिस करें और देखें उनके फेल्योर होने का कारण क्या है और अगर उनकी कैपेसिटी बढ़ती है तो उसकी कैपेसिटी भी हम बढ़ाएं। और एक अनोमली मैंने और कंज्यूमर्स में देखी, अगर किसी कंज्यूमर का लोड सपोज करो 2 किलोवाट या 3 किलोवाट घर में है लेकिन उसने सैंक्शन लोड 0.2 या 0.3 किलोवाट लेके रखा हुआ है, जिस समय एक्चुअल लोडिंग की पोजीशन पता ही नहीं चल पाती कि उस संबंधित DTR की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो हम डोर टू डोर ये अभियान चलाएंगे कि जो एक्चुअल लोडिंग उपभोक्ता की है वो निकल के आए, हमारे बिलिंग सिस्टम में वो पंच हो जाए। और दूसरा ये है कि वो फीडर्स जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा हैं उनका भी हम बाइफर्केशन करेंगे, ऐसे फीडर्स जिनके टेल इंड पे उपभोक्ता के जो वोल्टेज रेगुलेशन है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे ट्रांसमिशन सब स्टेशन से जो वोल्टेज चलता है वो नॉर्मल चलता है लेकिन नॉर्मल इंड पे कई बार उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज मिलता है, तो हम उसमें कैपेसिटर लगा के वोल्टेज को अपग्रेड करेंगे ताकि कंज्यूमर्स को भी प्रॉपर वोल्टेज मिले और लाइन लॉस में भी रिडक्शन हो। लेकिन मेनली हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि लाइन लॉस में कम से कम लेवल तक लेके जाएं, हम लोग 5-6% तक लाइन लॉस को सोच रहे हैं लेके आएँ और टोटल AT&C लॉसेस को हमें 15% तक मेंटेन करना है किसी भी हालत में कैसे भी और एरियर की रिकवरी 100% करनी है। एरियर की रिकवरी 100% करनी, लाइन लॉस को ख़त्म करना, इसका सीधा सा मतलब है विद्युत मंडल SK सिंह साहब ये चाहते हैं रीवा में विद्युत व्यवस्था सुधार हो। अब देखना, हालांकि उनके आते ही एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसकी सच्चाई आज उन्होंने खुद बताई कि हम 3000 से ज़्यादा मीटर रीडर को दे ही नहीं सकते तो 15000 लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका सीधा सा मतलब है कुछ लोगों ने साजिश की, वो हमको काम नहीं करने देना चाहते। अब देखना दिलचस्प होगा आगे आने वाले समय में SK सिंह साहब का क्या रुख रहता है रीवा की विद्युत व्यवस्था को सुधारने का।